हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है लाइसोसोम और राइबोसोम के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो लाइसोसोम और राइबोसोम में डिफरेंस जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं, दोनों ही सेल के अंग हैं, मतलब कोशिका के अंग हैं, चाहे लाइसोसोम की बात करें और चाहे राइबोसोम की बात करें। ये तो दोनों में सिमिलरिटी हो गई कि दोनों ही कोशिका के अंग हैं, दोनों ही सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम और राइबोसोम। आपने दोनों में डिफरेंस पूछा है कि लाइसोसोम और राइबोसोम में डिफरेंस क्या होता है। तो ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन लाइसोसोम एक अलग ही ऑर्गेनेल है और जो राइबोसोम है ये अलग ही ऑर्गेनेल है। अगर हम लाइसोसोम की पहले बात करें तो जो लाइसोसोम होता है वो एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर होता है और जिसके अंदर बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैं भरे हुए होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें होता है। और ये क्या होता है कि इस एंजाइम के ब्रस्ट होने से, इस मतलब ये जो लाइसोसोम होता है इसके ब्रस्ट होने से, इसके फट जाने से वो जो सेल है वो पूरा का पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब ये कि सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसको ऑटोलिसिस कहा जाता है। मतलब अपने ही आप वो उसका जो लाइसोसोम है वो ब्रस्ट हो जाए, फट जाए और पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाए, पूरे सेल की डेथ हो जाए, तो इसको ऑटोलिसिस कहा जाता है। तो जो लाइसोसोम है ये सेल का ऑर्गेनेल है, सेल का अंग है और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और मोस्टली ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है। प्लांट सेल में बहुत कम पाया जाता है लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप जानते हैं कि दो तरह के सेल्स होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अगर इसी के कंपेरिजन में हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। हाँ, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अगर यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जा रहा है तो यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाएगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और राइबोसोम जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल का अंग है जो कि नेटवर्क की तरह होता है। तो जब ये राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है तब हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि देखने में रफ दिखता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। लेकिन राइबोसोम जब फ्री होते हैं, अब राइबोसोम्स फ्री भी पाए जा सकते हैं सेल में कि वो फ्री रहें, और ऐसा भी पाया जा सकता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहें। अगर राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है तब उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तब वो सरफेस उसका स्मूथ दिखता है और तब उसको कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या रफ को कहा जाता है RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम होता है उसका काम क्या होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जबकि लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जो वेस्ट मटेरियल है सेल में वो लाइसोसोम में चला जाता है और वहां पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो लाइसोसोम में जो ये एंजाइम इसका सिंथेसिस होता है, यही राइबोसोम। अभी ये बात हुई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम का सिंथेसिस होता है और फिर ये जो गाल्जी बॉडीज होते हैं, तो गाल्जी बॉडीज के जो छोटे छोटे वेस्किल्स होते हैं, वेस्किल्स का मतलब ये भी समझिए कि बैग की तरह, थैली की तरह स्ट्रक्चर, ये वेस्किल्स जा करके और लाइसोसोम से मिल जाते हैं, फिर उससे मर्ज हो जाते हैं। अब लाइसोसोम उसके कंपेरिजन में बड़ा हुआ और ये जो वेस्किल्स गए ये छोटे हुए, तो वो आपस में जा करके फिर वो मर्ज हो जाते हैं, तो वो जो एंजाइम है वो लाइसोसोम के अंदर चला जाता है। अब लाइसोसोम कभी ब्रस्ट हुआ तो फिर क्या होता है कि पूरा का पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है। और लाइसोसोम ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब ये जो ये मेम्ब्रेन पाया जाता है तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है। इसी तरह का दूसरा सेल ऑर्गेनेल अगर देखा जाए, जैसे लाइसोसोम की बात आई तो इसी तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सिंगल सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। और जो गॉल्जी अपैरेटस की बात आई तो गॉल्जी अपैरेटस भी सिंगल सेल का बना हुआ होता है। मोस्टली जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हो, लेकिन लाइसोसोम हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गॉल्जी अपैरेटस हो, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। तो आपने जो पूछा कि लाइसोसोम और राइबोसोम में डिफरेंस क्या होता है, तो लाइसोसोम और राइबोसोम में ही डिफरेंस होता है। फंक्शन में अगर देखा जाए तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरा हुआ होता है जो कि वेस्ट मटेरियल यहाँ पर स्टोर होता है और वो वेस्ट मटेरियल को या फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। लाइसोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मोस्टली एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में बहुत कम पाया जाता है। राइबोसोम सभी में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हैं तो इंड स्क्रीन पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन किया था लाइसोसोम और राइबोसोम में डिफरेंस क्या होता है, तो उम्मीद करते हैं आप दोनों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।